नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में 2019 के शुरुआत को लेकर नेता जनता को लुभाने के लिए नए नए दांव खेल रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी के बलिया जिले में युवा भाजपा नेता साकेत सिंह सोनू ने अपने भाजपा कैंप कार्यालय का अनोखे अंदाज में एक गरीब परिवार की दलित महिला से, जो कि नगर के सफाई कर्मी है, उनसे उद्घाटन कराकर अपने कैंप कार्यालय का फीता कटवाया और उन्हें वस्त्र देकर सम्मानित भी किया। जहां आज के दौर में नेता से लेकर पूंजीपतियों तक अपने किसी कार्यक्रम में बड़े नेता, अभिनेता और बड़े पद के अधिकारियों से उद्घाटन कराने का एक रिवाज सा चल गया है, वहीं बलिया के भाजपा युवा नेता साकेत सिंह सोनू ने अपने भाजपा कैंप कार्यालय का अनोखे अंदाज में दलित सफाई कर्मी महिलाओं से उद्घाटन कराकर एक मिसाल कायम की गई। और राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं बैठक विभाग के प्रदेश सह संयोजक और युवा भाजपा नेता साकेत सिंह सोनू ने मीडिया के मी टू पर सवाल पर दबे आवाज में उनका जवाब था कि इस विषय पर मैं जवाब देना उचित नहीं समझता, मगर इन सब के लिए एक कानून बनना चाहिए क्योंकि इसका दुरुपयोग भी किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि इसका दुरुपयोग भी ज़्यादा हो रहा है। इस पर कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। मीटू पर भाजपा के एक बड़े नेता के इस्तीफे देने के बाद पर कहा कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने भारत में भ्रष्टाचार मुक्त का नारा दिया है और उनको लगा कि जब तक हमारी जाँच पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए और स्वयं उन्होंने इस्तीफा दिया है और मैं समझता हूं कि यह सही जांच के बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी साबित हो जाएगा। आज इस भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकर्ता का प्रथम कैंप कार्यालय है, खुला है जनपद में। कार्यालय का उद्घाटन हमारे क्षेत्र के दलित समाज की, जो हमारे क्षेत्र में स्वच्छता अभियान के सफाई कर्मी है, न्याय देवी और सुमित्री कुमारी राम जी, इन लोगों को मैंने इस कार्यालय के उद्घाटन के लिए चयनित किया क्योंकि इस कार्यालय का प्रमुख उद्देश्य यह है कि इस कार्यालय में दीन और दुखी समाज के हर तबके के लोग इस कार्यालय के स्तर के स्तर से उन सबकी मदद हो, जैसे कि हमारी सरकार की इतना सबका साथ सरकार भी करता है, उसी क्रम में यह कार्यालय उनके लिए खुला हुआ है। जिस प्रकार की मदद होगी, जिस प्रकार की भी क्षेत्र की जनता की समस्याएं होंगी, इस कार्यालय के मार्फत से, इस कैंप कार्यालय के मार्फत से उनकी मदद हो जाएगी। जिला स्तर पर दोनों जगह की हालत बहुत ख़राब है, वहाँ बी टू का मसला के समय इस्तीफा देना पड़ता है मंत्री को। ऐसा नहीं है, अब इस विषय में बोलना मुझे उचित लगता है। आजकल तो मैं समझता हूँ कि इन सबों के लिए ऐसा एक कानून बनना चाहिए, दोनों वर्ग के हिसाब से कानून बनना चाहिए, जैसा कि आपने मृत्यु का, क्योंकि इसका कहीं असर तक दुरुपयोग भी होता है और मैं समझता हूँ दुरुपयोग ज़्यादा होता है और उस पर कोर्ट ने बड़ी फटकार भी लगाई है कुछ ऐसे पत्र। लेकिन आपके मंत्री को इस्तीफा देना तो पड़ा है। निश्चय अगर पारदर्शिता से अगर इसका विश्लेषण किया जाए तो मैंने प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार मुक्त के साथ एक नारा दिया था, उस रूप में अगर ऐसा लगा कि भाई जांच होने तक उनको इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा उन्होंने स्वयं अपनी इस्तीफा कर दिया और मैं समझता हूँ कि सही भी है, जांच होगा, सबको दूध का दूध का पानी। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।